पंजाब जोन के निदेशक तथा ब्रह्मकुमारी संस्थान प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य राजयोगी बीके अमीरचंद का शनिवार सायंकाल 6:45 पर देहावसान हो गया। वे 82 वर्ष के थे। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 15 दिनों से गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। अचानक उनके देहावसान की खबर सुनते ही संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सहित देश विदेश के लोग सकते में आ गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनका पार्थिव शरीर चंडीगढ़ लाया गया तथा उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान संस्था से जुड़े केवल 20 लोग अंतिम क्रिया में शामिल हो सके। कोरोना के संक्रमण से पहले वो पूरी तरह स्वस्थ थे। उनके इस तरह अचानक जाने से सभी आश्चर्य में पड़ गए। सन 1939 में पाकिस्तान के जन्मे राजयोगी बीके अमीरचंद 1958 में 19 साल की उम्र में ही ब्रह्मकुमारी संस्थान के संपर्क में आए। पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पंजाब सरकार में बतौर अकाउंटेंट की सर्विस की, जिसके बाद संस्थान में पूरी तरह से समर्पित हो गए। समाज की सेवा करना और लोगों की मदद करना उनके जीवन का हिस्सा था, इसलिए उन्हें समाज सेवा प्रभाग की जिम्मेदारी दी गई। हमारे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर होने के नाते जिस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी की गरिमा को इतना ऊंचा बढ़ाया, मैं कभी नहीं भूल सकता। जब भी कभी कोई बात उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी में बतानी हो तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से अपनी बात पेश करते थे और मैनेजमेंट कमेटी के सभी मेंबर्स को वो बहुत बात जच जाती थी। सबसे बड़ी विशेषता मैंने यही देखी कि स्वयं सदा संतुष्ट रहने का उनका जो चेहरे से, बोल से और उनकी रॉयल्टी से, चलन से बिल्कुल बाप समान वो एक आदर्श भाई के रूप में बाप का प्रतीक्षित किया है। कि अमीरचंद भाई को सेवा का इतना उमंग और उत्साह था और वो यही जान चाहते थे कि जो भी दुखी और अशांत आत्माएं हैं उन सभी की सेवा करना ये हमारा फर्ज है। स्वभाव से मृदुभाषी तथा ईश्वरीय कायदों के पक्के अनुग्राही बीके राजयोगी अमीरचंद ने त्याग और तपस्या की मिसाल कायम की। धीरे धीरे उनकी आभा से केवल पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर में अपनी ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार किया। राजयोग ध्यान और मानवीय सेवाओं के बलबूते पर हजारों लोगों को इस मार्ग का अनुगामी बनाया, जिसके पश्चात सैकड़ों की संख्या में राजयोगिनी बहनों ने भी अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उसका जो हर्षित चेहरा है, लगता था कि वो खुद भी परमात्म प्यार में मर्ज है और अन्य आत्माओं को भी परमात्म प्यार में मर्ज कर रहे हैं। अमीरचंद भाई जी बहुत ही निमित निर्माण थे, निर्मल वाणी वाले थे। कभी जोर से उन्होंने किसी को कुछ बोला नहीं और वो बहुत ही उमंग उत्साह वाले रहे। ऐसे भाई को खोने के बाद में ऐसा लगता है बड़ा यज्ञ में कमी हो गया और यज्ञ में ऐसे लोगों की आवश्यकता थी, परंतु ड्रामा भावी है और ऐसी ड्रामा में हम सभी साक्षी होकर के देखते हैं। ब्रह्मकुमारी संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों के साथ उनके गहरे संबंध थे। संस्था के महासचिव बीके राजयोगी निर्वैर ने कहा कि उनका जीवन हमेशा के लिए याद किया जाएगा। वे हमारे अनन्य मित्र थे, साथ ही हर वक्त में साथ खड़े रहे। उनका व्यक्तित्व मानव जीवन के लिए मिसाल रहेगा। कुछ दिन पहले अपने शरीर त्यागने से पहले वो लुधियाना, राजपुर, सहारनपुर कई जगह वो सेवा करके आए थे, तो उनको
बहुत ही सेवा का को बढ़ाने का बड़ा शौक था, साथ ही बड़े योगी भी थे, बड़े मिलनसार भी थे, सदा हंसमुख भी थे। बहुत ज्यादा हिम्मत, उमंग, उत्साह हमने उनका 11 तारीख तक भी देखा और 12 तारीख शाम को जब शरीर बिल्कुल साथ देना मना कर दिया, उस टाइम भी बहुत सबके कहने पर, जोर देने पर हॉस्पिटल ले जाया गया, तो भी बहुत मुश्किल माने, नहीं मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, हिम्मत अति थी। अमृत वेला ऐसी तबीयत में भी कभी छुट्टी नहीं की। वैसे तो दिन में ही 12-1 बजे डॉक्टर गौरव ने मुझे आईसीयू से बताया कि आज की रात तक बड़ी मुश्किल निकलेंगे, बीपी 60 पर आ गया है, कुछ मायरेकल हो जाए तो हो जाए, बाकी तो उनके कहने अनुसार ही रात मुश्किल आएगी। 6:45 पे आपने अपना पार्थिव देह त्याग कर बाबा की गोद में विश्रामी हुए। राजयोगी ब्रह्मा कुमार अमीरचंद ईश्वरीय नियमों की पालना में दृढ़ निश्चयी थे। संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से भी उनका अटूट प्यार था। संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के निर्देशन में उन्होंने ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार तो किया ही, साथ ही अपनी आंतरिक स्थिति को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी ईश्वरीय सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कला संस्कृति संस्थान द्वारा भारत गौरव अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया गया। उनका सौम्य व्यवहार लोगों के लिए नज़ीर था। वे जहां भी जाते अपनी अमिट छाप छोड़ जाते थे। उन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व के अन्य देशों में यूके, रशिया, फ्रांस, चीन, मलेशिया, स्पेन, जर्मन आदि देशों में अपने रूहानी व्यक्तित्व से भारतीय संस्कृति और सभ्यता से सींचा और ईश्वरीय मार्ग का अनुगामी बनाया। वरिष्ठ राजयोगी भ्राता अमीरचंद जी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनके तपस्या स्वरूप और उनकी सूक्ष्म स्थिति ईश्वरीय सेवाओं में विस्तार करती रहेगी। ऐसी महान आत्मा को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।